हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 11। और इस क्लास नंबर 11 से ही आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है प्लानिंग। ठीक है, आज हम प्लानिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले प्लानिंग के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को प्लानिंग का मतलब पहले से ही पता है। अगर मैं एक सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर प्लानिंग की बात करूँ तो आप सभी को पता है कि अगर हमें कोई फ्यूचर में कोई भी एक्शन लेना होता है, या फ्यूचर में कोई भी हमें पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन लेना होता है, कोई भी हमें काम करना होता है, तो हम जब उसकी पहले से तैयारी करते हैं तो हम उसे प्लानिंग बोलते हैं। ऐसा आपने हमेशा सुनते आए हैं, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ इसका एक स्मॉलेस्ट फॉर्म, एक क्या कहते हैं उसको, कि एक छोटा रूप देखा है आपने प्लानिंग का, कि उसके बारे में एक छोटा सा मीनिंग समझा है आपने प्लानिंग के बारे में। लेकिन प्लानिंग एक्चुअली में रियलिटी में जो आपने सुना है वो भी ठीक है, लेकिन प्लानिंग जो है वो एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, एक कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग है डिटेल प्लानिंग का अपने आप में। तो हमने क्या करना है, प्लानिंग का सबसे पहले हम प्लानिंग चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले उसका सिंपलेस्ट फॉर्म समझेंगे, जो उसका सिंपल मीनिंग है, फिर उसके कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग पे आएंगे। तो ध्यान रखना, प्लानिंग चैप्टर को आपने दो एंगल से समझना है, एक सिंपल मीनिंग से और एक कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्लानिंग के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बोली हैं, ठीक है, उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है, तो जो आपके एग्ज़ाम में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग बेसिकली क्या है कि जब हम किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में, जब हम एडवांस में हम उसकी तैयारी करते हैं। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, मतलब पहले से एडवांस में डिसाइड करना व्हाट टू डू, आपने क्या काम करना है और उस काम को कैसे कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। मान लीजिए कि आपने सपोज करिए कि जैसे आपने कल मैरिज में कहीं जाना है, आपने किसी की मैरिज में जाना है कल, तो आपने सबसे पहले आपने प्लानिंग बनाई कि भाई मुझे मैरिज में जाना है, तो ये तो हो गया व्हाट टू डू, ठीक है। अब आप वहाँ मैरिज में जाओगे कैसे, आप पर्सनल व्हीकल से जाओगे या गाड़ी बुक कैब करके जाओगे या कॉमन व्हीकल लेके जाओगे, कैसे करके जाओगे, या कैसे भी आप वहाँ तक पहुँचोगे कैसे। तो किसी भी काम को करने, किसी कोई भी काम है, आपको क्या काम करना है, ठीक है, और कैसे करना है, किसी भी काम को करने के लिए आप सबसे पहले आप क्या करते हो, प्लानिंग। तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। नेक्स्ट इज बिफोर डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करने से पहले द मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू वर्क। किसी भी काम को करने से पहले मैनेजर क्या करता है, एक आइडिया लेता है कि उस काम को कैसे करना है। कोई भी मैनेजर किसी भी टास्क को करने से पहले उसके बारे में सोचता जरूर है, ये नहीं कि उसने कोई काम करना है सडनली और उस काम को वो करने लग जाएगा। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी काम को करोगे तो जो उसके इम्पैक्ट्स हैं या जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि जो मैनेजर है उसने मालिक से पूछे बिना कोई एक फाइल तैयार कर ली या कोटेशन तैयार कर ली, या मान लीजिए वो परचेज मैनेजर है उसने कुछ माल खरीदने के लिए कोई प्लानिंग कुछ अपने आप से कुछ कोटेशन तैयार कर ली कि भाई मुझे इतना माल खरीदना है, ठीक है, और वो मालिक के सामने पहुंच गया, तो मालिक ने उसको बोला कि भाई हमने तो आपसे कोई डिस्कशन नहीं किया था कि भाई हम इस महीने में कोई माल खरीदेंगे या कुछ कुछ इस तरीके से हम आपस में डिस्कशन करेंगे। तो आपने बिना प्लानिंग किए, बिना सोचे समझे, बिना उसके बारे में फ्यूचर के बारे में सोचे समझे आपने पहले से ही अपनी फाइल तैयार करना शुरू कर दिया और मालिक के आगे चले गए। तो इसका मतलब जब हम पहले से किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग करेंगे, कोई भी काम कर रहे हैं कि उस काम को हमें कैसे करना है कैसे नहीं करना है, जब हम उसकी पहले से तैयारी करेंगे तो समझ लीजिए वो काम अच्छे से होगा। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे काम को करना शुरू कर देंगे और उसकी तैयारी नहीं करेंगे तो वो काम गलत जरूर होगा, ठीक है। तो इसीलिए बिफोर डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करने से पहले द मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू वर्क। तो किस तरीके से काम को करना है इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले मैनेजर को आइडिया लेना चाहिए। आइडिया का मतलब यहाँ पर मैनेजर जो आइडिया लेता है उसका मतलब प्लानिंग सही है। नाउ नेक्स्ट इज प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जब हम किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में कई तरह के आइडियाज़ आते हैं कि भाई उस काम को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, अगर कोई भी काम है उसको कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम किसी भी काम को करने का कोई एक कॉमन तरीका होता है, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम सपोज़ करें कि अगर हमें सपोज़ कीजिए जैसे अगर हम अकाउंट्स की बात करते हैं, ठीक है,
अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो जैसा आपने अकाउंट्स में देखा होगा कि जब हम जनरल एंट्री पास करते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है, एक तो तरीका ये होता है, ठीक है, एक तरीका ये होता है कि जब हम उसमें सब्सिडरीज बुक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बिज़नेस छोटा है तो हम क्या करते हैं, सिंपल जनरल एंट्री, लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, लेकिन अगर हमारा बिज़नेस बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक्स का इस्तेमाल करते हैं अगर हमारी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा है। तो जब ये अकाउंटिंग अकाउंटेंसी जब हमारे नॉलेज में आई है, जिसने भी इनको अकाउंटेंसी को बनाया, सोचा उसके बारे में, जब धीरे धीरे जब उसमें नए नए चेंजेस आने लगे कि पहले तो नॉर्मल जनरल एंट्री और लेजर ट्रायल बैलेंस बनने लगा, फिर बढ़ते हुए बिज़नेस को देखकर किसी ने उसमें सब्सिडरी बुक्स को ऐड कर दिया कि सब्सिडरी बुक्स यूज़ करने से क्या होगा कि हमारा जनरल एंट्री का बर्डन कम हो जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी। ठीक है, तो पहले इसके बारे में किसी ने सोचा होगा, तभी तो सब्सिडरी बुक्स हमारे यूज़ में आई है जो लार्ज स्केल बिजनेस होते हैं। अगर हम बात करें इनोवेशन की, तो जब किसी ने सोचा कि मैन्युअली हाथ से काम करते करते, जनरल एंट्री पास करते करते, लेजर बनाते बनाते हाथ थक जाते हैं, टाइम का कंजम्पशन होता है, टाइम की वेस्टेज होती है, तो किसी ने सोचा कि क्यों ना इसको हम ऑनलाइन कर दें, हम ऐसा करें कि जनरल एंट्री पास करें, अपने आप लेजर बन जाए, अपने आप ट्रायल बैलेंस बन जाए। तो इसके लिए क्या किया, टैली सॉफ्टवेयर लाया गया। अब टैली सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, ऑनलाइन जितनी भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे, आपको उसको लेजर या ट्रायल बैलेंस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऑलरेडी उसमें जनरल एंट्री जब पास करेंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिक अपने आप लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के आपके सामने आ जाएगी। तो ये भी अब टैली के बारे में किसी ने पहले सोचा होगा, तभी तो ये चीज़ हमारे सामने आई है। तो प्लानिंग जो होती है, इट क्लोजली कनेक्टेड विद द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जब हम कोई भी काम करते हैं और उसके बारे में प्लानिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो आइडियाज़ होते हैं, हमारी जो सोच होती है, थिंकिंग होती है, वो क्रिएटिविटी और इनोवेशंस को पैदा करती है। ठीक है, तो इसीलिए प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी और इनोवेशन से ही निकल कर आती है। उसके बाद एक डेफिनेशन दी हुई है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है। अब ये वही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है और मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि हम क्लास नंबर 12 में इसका डिस्कशन करेंगे। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल। तो ये जो डेफिनेशन है ना, पहली तीन डेफिनेशन जो दी गई हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपल मीनिंग में दी गई हैं, जो कि हम आमतौर पर सुनते रहते हैं। और जो ये बड़ी वाली डेफिनेशन है जो तीन लाइनों में दी गई है, ये आपकी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है और इसी से ही हमारा चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल्ड में, वो समझ में आएगा। तो इसका डिस्कशन हम क्लास नंबर 12 में करेंगे। तो हम सीधा आ जाते हैं प्लानिंग के फीचर्स पर कि एक्चुअली प्लानिंग है क्या। ठीक है, कुछ कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो एग्जैक्टली प्लानिंग को लेकर बनी हैं। तो प्लानिंग में सबसे पहले क्या है कि प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। कोई भी जब हम हमारे कोई उद्देश्य होता है तो उसी के लिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव होता है, कोई भी हमारा एम होता है तो उसी के लिए प्लानिंग होती है। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, एम नहीं है, तो हम प्लानिंग करेंगे ही नहीं। कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव लेके ही प्लानिंग की जाती है। तो इसीलिए जो प्लानिंग, और प्लानिंग करते क्यों हैं, ताकि हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें। तो प्लानिंग जो है वो फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आप कोई ऑब्जेक्टिव लेंगे, उसके लिए प्लानिंग करेंगे, तो प्लानिंग ही आपकी मदद करेगा उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में। अगर कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो प्लानिंग नहीं है, तो हमारा कोई फोकस भी नहीं होगा। तो इसीलिए प्लानिंग का स्टार्ट होना होता है ऑब्जेक्टिव से, और ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के पीछे प्लानिंग ही हमारी मदद करती है। नेक्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो प्लानिंग है वो एक मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी मतलब सबसे पहले प्लानिंग का को ही यूज़ किया जाता है जब हम मैनेजमेंट के फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट के वो पाँच फंक्शन होते हैं जिनको यूज़ करके जो भी हम बिजनेस में एफर्ट लगाते हैं, जो भी हम अपनी लाइफ में एफर्ट लगाते हैं, उसको ये पाँच फंक्शन क्या करते हैं, यूज़ करने के बाद हमें डायरेक्शन देते हैं कि हमें अपने काम को किस तरीके से अच्छे से करना है। ठीक है, तो प्लानिंग जो है वो सबसे प्राइमरी फंक्शन है। सबसे पहले हमें हर काम को करने से पहले प्लानिंग को ही यूज़ करना पड़ता है। तो इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज़ प्लानिंग इज़ परवेसिव। प्लानिंग का जो यूज़ किया जाता है वो किसी पर्टिकुलर पोजिशन पर या पर्टिकुलर लेवल पर नहीं किया जाता। जैसा कि बिज़नेस में हमारे तीन लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। ठीक है, और बिज़नेस में हमारी अलग अलग पोजीशन होती हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट होते हैं, मिडल लेवल पर मैनेजर होते हैं, और टॉप लेवल पर हमारे जो सुपीरियर मैनेजर होते हैं। तो प्लानिंग कोई भी कर सकता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो या किसी भी लेवल का एम्प्लॉई हो। प्लानिंग कहीं पर कैसे भी की जा सकती है, हर कोई कर सकता है। तो प्लानिंग इज़ परवेसिव। तो डजेंट मैटर द लेवल एंड डजेंट मैटर द पोजिशन।
कोई मैटर नहीं करता कौन सा लेवल है, या मैटर नहीं करता कि एम्प्लॉई कौन से लेवल पे काम कर रहा है। तो प्लानिंग इज़ परवेसिव और प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस। प्लानिंग जो बेसिकली की जाती है वो किसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर की जाती है, और अगर ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है तो हम किसी और फर्दर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, एक ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया अब हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते रहते हैं और ऑब्जेक्टिव बनते भी रहते हैं, अचीव होते रहते हैं। तो जैसे ही हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होगा तो प्लानिंग फिर से शुरू हो जाएगी। तो प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक का मतलब होता है कि प्लानिंग बेसिकली हमारे फ्यूचर के होने वाले एक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए की जाती है। तो हमेशा प्लानिंग जो होती है वो पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर, प्लानिंग में जब हम प्लानिंग करते हैं तो पास्ट एक्सपीरियंस का बेस लेते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस। कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव है, आप कोई काम करने जा रहे हैं और वो काम ऑलरेडी पहले भी आप कर चुके हैं, तो आप पहले ये देखेंगे कि पहले जब आपने वो काम किया था तो उसमें क्या क्या आपको अनुभव हुआ था, क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ था। तो प्लानिंग जो बेसिकली की जाती है वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए की जाती है, लेकिन उसका बेस जो होता है वो पास्ट एक्सपीरियंस होता है। तो फ्यूचर के लिए ही हम प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 6 इज प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने प्लान बनाया कि हम घर से बाहर कल जाएंगे घूमने के लिए, कल हम ट्रिप पे जाएंगे घूमने के लिए, ठीक है। अब ट्रिप पे घूमने के लिए आपके पास अलग अलग अल्टरनेटिव है कि आप ट्रिप पर घूमने के लिए हो सकता है कि किसी होली प्लेसेस पर जाएं, किसी मंदिर में या कहीं भी घूमने के लिए जाएं, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाएं, ऐतिहासिक जगह पर जैसे जयपुर हो गया, या कहीं आपका आगरा हो गया मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखने के लिए, या फिर आपका हिली एरियाज़ में घूमने का मन है जहाँ पर आपके पहाड़ी इलाके हैं। तो आपके पास आपको घूमने जाना है, तो ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। अब आपके पास अलग अलग अल्टरनेटिव्स हैं कि घूमने के लिए हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो आपने डिसीज़न लिया कि हम हिली एरियाज़ में जाएंगे क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो हिली एरियाज़ में जाकर हम, अच्छा मौसम होगा वहाँ पर तो हमें गर्मी नहीं लगेगी, तो गर्मी के मौसम को थोड़ा सा बियर करने के लिए आप हिली एरियाज़ में जाना चाहते हैं। तो इट मीन्स आपने डिसीज़न लिया। तो किसी भी काम को करने के लिए जब हमें डिसीज़न लेना होता है तो प्लानिंग क्या करती है, उसमें हमारी मदद करती है। तो प्लानिंग क्या है, इट इन्वॉल्व्स डिसीज़न मेकिंग। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, इट प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग में देखिए सबसे पहले क्या बताया जाता है कि प्लानिंग डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। प्लानिंग हमें बताता है एडवांस में कि हमें क्या करना है और हमें कैसे करना है। तो इसका मतलब, कैसे करने का मतलब हो गया कि प्लानिंग के जरिए ही हमें पहले से ही आइडिया हो जाता है कि हम किस काम को कैसे करेंगे। तो इट मीन्स इट प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग ही हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब आपने पहले से ही ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया होगा और पहले से ही सोच लिया होगा कि उसे कैसे करना है, ठीक है, तो इसका मतलब आपको पहले से ही डायरेक्शन पता होगी और आप अपना काम करना शुरू कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर छोटा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने ट्रिप का एग्जांपल लिया, तो आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि भाई आपको हिली एरिया में जाना है, और आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि हिली एरिया में जाने के लिए आप खुद गाड़ी लेकर नहीं जाएंगे, आप वहाँ पर कैब करके जाएंगे, ड्राइवर लेके जाएंगे, तभी सक्सेसफुल रहेगा। तो इसका मतलब आपको पहले से ही डायरेक्शन पता है कि आपको काम को कैसे करना है। तो इट प्रोवाइड डायरेक्शन। उसके बाद है इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जब हम किसी भी, कोई भी मैनेजर होता है, जैसे मान लीजिए कि मैनेजर ने एक बिजनेस में डिसाइड किया कि भाई वो एक मशीनरी को बिजनेस में लाना चाहता है, उसने प्लान बनाया, ऑब्जेक्टिव बनाया कि भाई मैं बिजनेस में एक नई मशीनरी लाना चाहता हूँ, हाईटेक मशीनरी। तो आपको पहले से ये आपने पहले से ही प्लानिंग में, ऑब्जेक्टिव में डिसाइड कर लिया होगा कि अगर मान लीजिए आपको मशीनरी लानी है, तो आपने सोच लिया होगा कि भाई मशीनरी के ऊपर, मशीनरी लाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, या मशीनरी लेबर चला पाएगी कि नहीं चला पाएगी, मशीनरी को हमें बिजनेस में इंस्टॉल हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या उसका फ़ायदा होगा नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में होने वाले अनसर्टेनिटी को पहले से ही प्लानिंग ने आपकी दूर कर दिया होगा। अब मान लीजिए कि आपने मशीनरी को चलाने के लिए, आपको ये पता है कि भाई हाईटेक मशीनरी है, तो उसको चलाने के लिए आपने अलग से स्पेशल लेबर को हायर किया जिनको वो हाईटेक मशीनरी चलाने आती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटी, हाईटेक मशीनरी को जो आप लाए थे, लाने वाले हैं, और उसको चलाने में जो पुरानी लेबर को प्रॉब्लम आ सकती थी, उसको आपने पहले से ही दूर कर लिया प्लानिंग करके। तो इसका मतलब प्लानिंग जो होती है वो हमारे फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटी का जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस करती है। अगला है आपका, इट रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। प्लानिंग के जरिए सभी को पता होता है कि किसको कितना काम, किसको क्या, कितना और कैसे काम करना है, सबको पहले से पता होता है किसे किसे क्या काम करना है और कितना काम करना है, ये सभी को पता होता है। इससे क्या होता है, ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होती। अगर मान लीजिए पहले से ही, मान लीजिए एक डिपार्टमेंट के मैनेजर ने पहले से ही सभी को बता दिया कि कल सभी आके क्या क्या काम करेंगे,
तो इसका मतलब सभी को अपना अपना काम पता है, कोई किसी दूसरे का काम नहीं करेगा, सबको पहले से ही बता दिया कि कल किसने क्या क्या काम करना है, तो कोई किसी दूसरे का हेल्प नहीं करेगा, तो इसका मतलब ओवरलैपिंग नहीं होगी। और दूसरा, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेगा जब सबको पहले से ही बता दिया कि कल सबने आके बस इतना ही काम करना है जितना बोला गया है, तो इसका मतलब कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा, जितना बताया गया उतना ही काम करेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय खाली बैठा रहता होता है तो वो काम कुछ एक्स्ट्रा कर लेता है, तो उससे क्या होता है कि वेस्टफुल एक्टिविटी जनरेट होती हैं। तो इसीलिए प्लानिंग क्या करती है, हमारी जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें रिड्यूस करने में, और ओवरलैपिंग जो होती हैं, मतलब कि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे का काम जब कर लेता है बिना बताए, तो उसे ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ओवरलैपिंग से भी बच जाते हैं हम प्लानिंग करने से, और हम वेस्टफुल एक्टिविटी से भी बच जाते हैं। अगला है आपका, इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग जो होती है जब हम करते हैं, वो हम अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से करते हैं, अपनी थिंकिंग के हिसाब से करते हैं। तो कोई भी जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे माइंड में कई अलग अलग थिंकिंग्स चलती रहती हैं, अलग अलग आइडियाज़ चलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्लानिंग होती है, जब हमारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे माइंड में आइडियाज़ होते हैं कि हम किसी भी काम को कितना अच्छे से कर सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट जो पॉजिटिव आइडियाज़ होते हैं वो हमारे इनोवेशंस को जनरेशन देते हैं। अब जैसे कि हम अकाउंटेंसी में हम क्या करते हैं, टैली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैनुअली काम करते करते किसी ने तो सोचा होगा, प्लानिंग की होगी कि ये काम ऑनलाइन भी हो सकता है, कंप्यूटर पे भी हो सकता है। तो इसीलिए ये इनोवेशंस प्लानिंग जो होती हैं वो हमें इनोवेशंस के लिए प्रमोट करती हैं, नए नए आइडियाज़ जनरेट करने के लिए हेल्प करती हैं। अगला है, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। जब हम कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, जब हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, किसी ऑब्जेक्टिव को अपने सामने रखते हैं और उसके लिए प्लानिंग करते हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें अल्टरनेटिव चूज़ करने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि आपको कंपनी में प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं कंपनी में प्रॉफिट को बढ़ाऊँ। अब प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है, कि या तो आप कंपनी में एक नई मशीनरी लेके आएंगे जो बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती है, या फिर आप अपने बिजनेस में क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट का प्राइस है, सेल प्राइस, उसको बढ़ा देंगे। तो आपके सामने दो ऑप्शन है, तो आप दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो आपने डिसीजन लिया, आपको लगा कि भाई अगर मैं सेल प्राइस बढ़ाऊंगा तो जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हमारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, जो हम अल्टरनेटिव लेके चलते हैं, उन अल्टरनेटिव के बीच में हमें जो डिसीजन लेना होता है वो हमारी मदद करता है प्लानिंग। ठीक है, अल्टरनेटिव जो भी हमारे अल्टरनेटिव्स में हमें जो अल्टरनेटिव सेलेक्ट करके हमें आगे चलना होता है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिसीजन लेना होता है, वो प्लानिंग हमारी हेल्प करता है। तो प्लानिंग क्या होता है, इट्स हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। नाउ द लास्ट पॉइंट इज, इट एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ये लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, 6th पॉइंट, इट एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करना शुरू किया अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग, तो आपने जो प्लानिंग की और जो आपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते समय जो रिजल्ट आपके सामने आया, तो आप कंपेयर कर सकते हो आसानी से कि भाई आपने जो प्लानिंग की थी, जो स्टैंडर्ड आपने सेट किए थे और जो एक्चुअल रिजल्ट आया था, उसमें कितना फ़र्क आया। तो उससे क्या होगा, अगली बार जब आप प्लानिंग करेंगे तो अगली बार प्लानिंग आप अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर कोई बिना प्लानिंग किए आपने काम कर लिया और रिजल्ट निकल के आया, तो आप कंपेरिजन किससे करेंगे, आप कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे कि आपने काम कितना सही किया और कितना गलत किया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने ये प्लानिंग करी कि भाई मैं 1 घंटे के अंदर 4 क्वेश्चन करके देखूंगी, और मान लीजिए 1 घंटे के अंदर आपसे 4 क्वेश्चन नहीं हुए, ठीक है, 3 क्वेश्चन हुए, तो इसका मतलब ये आपको समझ में आ जाएगा ना कंपेयर करने से कि 1 घंटे के अंदर आपसे 3 क्वेश्चन ही हो पा रहे हैं, 4 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका मतलब आपने प्लानिंग करी 4 क्वेश्चन की, हुए आपके 3 क्वेश्चन, इसका मतलब 1 क्वेश्चन का क्या आ गया, डेविएशन। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, उस 1 क्वेश्चन को देखने की कोशिश करोगे कि रियलिटी में वो जो मेरे से 1 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर नहीं हो पाया मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, तो कमी मेरे टाइम में थी या कमी मुझ में थी। तो इसका मतलब प्लानिंग जो होती है वो हमारी मदद करती है कंट्रोलिंग करने में। कंट्रोलिंग का मतलब यही होता है कि डेविएशन का पता करना, कि आपने काम अपने टारगेट के हिसाब से जो अभी आपने प्लानिंग की थी उसके हिसाब से सही किया है, ये अचीव किया है या नहीं किया, कंपेयर करने में मदद करता है। तो ये थी हमारी प्लानिंग के कुछ फीचर्स और प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस। और हमने इस क्लास नंबर 11 में हमने बेसिकली एक प्लानिंग का एक छोटा सा रूप देखा है, छोटा सा मीनिंग समझने की कोशिश की है कि प्लानिंग है क्या। अब हम इसका ब्रॉड और कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग पढ़ेंगे क्लास नंबर 12 में। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।